बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 को मुकम्मल कर लिया था, जिसमें हमने एमएस एक्सेस में डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 का आगाज करेंगे, जिसका नाम है टेबल एंड क्वेरी। और इस चैप्टर में हम टेबल को क्रिएट करना सीखेंगे, क्वेरीज को डिफाइन करना सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस पर काम कर रहे हैं और रिलेशनल डेटाबेस में दरअसल रिलेशन यानी टेबल्स में डाटा को स्टोर किया जाता है, इसीलिए इन टेबल्स को डेटाबेस का हार्ट भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, आगे जो हम क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को जनरेट करना सीखेंगे, वो सब इन्हीं टेबल्स पर मुनहसिर होंगे। इसीलिए हमें डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते वक्त बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना होता है कि भाई एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, हर एक टेबल की अपनी प्राइमरी की होनी चाहिए, टेबल के हर सेल में एक ही वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, हर टेबल का नाम दूसरे टेबल से अलग हो, और साथ के साथ हर एक टेबल में मौजूद कॉलम नेम भी दूसरे कॉलम नेम से डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब चीजें हमें एक टेबल को डिफाइन करते वक्त मद्देनजर रखनी होती है। आइए अब और मजीद टेबल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टेबल क्या है? रोज एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल एक ग्रिड, यानी जहां ये रोज एंड कॉलम्स जब टकराते हैं तो ये एक सेल को जनरेट करते हैं, और इन्हीं सेल्स में दरअसल हमारा डाटा जाकर स्टोर होता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल रोज एंड कॉलम से मिलकर बनता है, तो जो इस टेबल के कॉलम होंगे वो डेटाबेस में कहलाएंगी फील्ड्स, और हर एक टेबल में जितनी फील्ड्स होंगी उनके नाम यूनिक होंगे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का टेबल है, तो उसमें चार फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस एंड स्टूडेंट फोन नंबर। तो ये चारों फील्ड नेम हम टेबल के कॉलम्स में लिखेंगे, इसीलिए इसको कॉलम नेम भी कहा जाता है। और यहाँ हर एक फील्ड का नाम दूसरी फील्ड से अलग होना चाहिए, और साथ के साथ हर एक फील्ड की डेटा टाइप भी डिफाइन करनी होगी कि अगर आईडी है तो उसकी डेटा टाइप ऑटो नंबर होगी, इसी तरह अगर कोई नेम है तो उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट होगी, अगर कोई फोन नंबर है तो उसकी डेटा टाइप नंबर होगी। यानी हर एक फील्ड का नेम, उसकी डेटा टाइप, और अगर हम उस फील्ड पर कोई वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर आप कोई डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं, कोई ईमेल एड्रेस इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो उस ईमेल एड्रेस के अंदर @ का होना लाजमी है। तो ये आप क्या करेंगे, ये आप वैलिडेशन रूल्स के अंदर अप्लाई करेंगे। और ये दोस्तों हम कब करते हैं, ये ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द टेबल हम ये अप्लाई करते हैं। और ये तमाम चीजें अप्लाई की जाती हैं फील्ड नेम्स पर, यानी हमारे कॉलम नेम पर। तो दोस्तों, कॉलम नेम के बाद बारी आती है टेबल की रोज की, और रोज में दरअसल हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड, एक्चुअल डेटा जाकर स्टोर होता है। एक्चुअल डेटा को हमें यहाँ इन रोज के अंदर इंसर्ट करना होता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि टेबल को एमएस एक्सेस में क्रिएट कैसे किया जाता है। लेकिन याद रखिए, एमएस एक्सेस में हम दो तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट टेबल थ्रू द डिजाइन व्यू, एंड वी कैन आल्सो क्रिएट द टेबल थ्रू द डेटा शीट व्यू। तो आइए बारी बारी टेबल को एमएस एक्सेस के अंदर क्रिएट करना सीखते हैं। दोस्तों, ये एमएस एक्सेस की विंडो आपके सामने ओपन हो गई है, और यहाँ पर हम सबसे पहले एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर ही हम मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट क्लिक का बटन दबाएंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक का बटन दबाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे स्कूल डेटाबेस, और ये हमने स्कूल का डेटाबेस क्रिएट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो भी आप ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस आपको एक टेबल बाय डिफॉल्ट जो है वो क्रिएट करके देता है, जिसका नाम आमतौर पर टेबल वन होता है। लेकिन क्योंकि हम आपको स्क्रैच से टेबल क्रिएट करना सिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस क्रिएट पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ग्रुप नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर एक ग्रुप टेबल्स के नाम से भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएस एक्सेस आपको दो तरह से टेबल्स को क्रिएट करना प्रोवाइड करता है, नंबर वन इज डिजाइन व्यू एंड नंबर टू इज डेटा शीट व्यू। तो अगर आप डेटा शीट व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले एलिमेंट पर क्लिक करेंगे टेबल के,
ठीक है, अगर आप डिजाइन व्यू के ऊपर अपने टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं डिजाइन व्यू की टेक्निक के थ्रू, तो फिर आप टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले डेटा शीट व्यू के थ्रू टेबल को क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल टू क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक फील्ड नेम भी नजर आ रहा है आईडी। और अगर आप गौर करें तो इस फील्ड नेम की जो डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आमतौर पर हमारी जो आईडीज होती हैं वो हम एज अ टेबल के अंदर प्राइमरी की रखते हैं, और प्राइमरी की हमेशा हमारी यूनिक होती है। ऑटो नंबर से यहाँ मुराद है कि हमेशा ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन इंक्रीज होती रहेगी और ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। पर दोस्तों अगर आप यहाँ गौर करें तो टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब असल काम है फील्ड्स को क्रिएट करना। और फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए इस डेटा शीट व्यू के अंदर आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले लिखा हुआ है ऐड एंड डिलीट, कुछ मींस के यहाँ पर आप इस ऐड और डिलीट के जरिए मल्टीपल फील्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं और इस डिलीट के इस एलिमेंट के जरिए आप डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर मैं इस शॉर्ट टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड वन जो है यानी एक फील्ड क्रिएट हो गई है जिसका फॉर्मेट जो होगा वो टेक्चुअल होगा। अब अगर मैं इस फील्ड को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इस डिलीट पर क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैंने मिसाल के तौर पर एक फील्ड क्रिएट की है और मैं इस फील्ड पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगाना चाहती हूँ, इस फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, इस फील्ड की कैप्शन क्या होना चाहिए। कैप्शन से मुराद है कि अगर यूजर जब इस टेबल को देखेगा तो उस फील्ड का नाम क्या नजर आना चाहिए। ये तो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, लेकिन यूजर के लिए क्या नाम जो है वो शो होना चाहिए तो वो आप कैप्शन में लिखेंगे। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक फील्ड जो है, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर फोन नंबर की फील्ड है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि यूजर शुड बी एंटर द नंबर्स। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक फील्ड की डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। डेटा टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप एक टेबल पर, एक टेबल के अंदर मौजूद फील्ड्स के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं इस डेटा शीट व्यू के अंदर। इसके बाद दोस्तों आप फील्ड पर मल्टीपल वैलिडेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपने ये टेबल को क्रिएट कर लिया, इन तमाम चीजों को डिफाइन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आप इस वाले टेबल के ऊपर जाएंगे जिसको आपने क्रिएट किया है, राइट क्लिक का बटन दबाएंगे और सबसे टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा सेव का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने इस टेबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट का, हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब इस टेबल टू का नाम जो है वो स्टूडेंट हो गया है। इस तरह से दोस्तों हम डेटा शीट व्यू के थ्रू अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया है कि आप इस फील्ड पर ये ऐड एंड डिलीट प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेटिंग एंड वैलिडेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम चीजों की इम्प्लीमेंटेशन आपको बताएंगे। अब आइए दोस्तों डेटा शीट व्यू के बाद आइए जानते हैं कि डिजाइन व्यू के अंदर हम किस तरह से अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आप दोबारा से इस क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे इस टेबल डिजाइन को। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है, टेबल टू जिसका नाम है, वो डिजाइन व्यू के अंदर क्रिएट हुआ है। दोस्तों डिजाइन व्यू दरअसल ऐसा व्यू होता है जिसमें दरअसल हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो व्यू है ये दरअसल हमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए ये व्यू होता है, यानी इसके अंदर हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो असल हमारा डिजाइन व्यू है जिसमें आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं वो हमारा ये वाला व्यू होता है जिसको हम डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी फील्ड्स के नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट आईडी होगी, स्टूडेंट नेम होगा, फिर आप उनकी यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स आप देख सकते हैं जो कि एमएस एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फील्ड दी है फील्ड नेम स्टूडेंट आईडी की डेटा टाइप हम रखेंगे ऑटो नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी आईडीज ऑटोमेटिकली वन बाय वन इंक्रीज हो रही होती हैं। अगर हम इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो आपको ये जो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना कर्सर लाएंगे, राइट क्लिक दबाएंगे और टॉप पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्राइमरी की का,
कि हमने इसको प्राइमरी की सेट कर दिया है। इस तरह से आप प्राइमरी की सेट करेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दें, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड फील्ड प्रॉपर्टीज। यानी आप यहाँ पर बताएंगे कि जो डाटा आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा, उसमें वैल्यूज जो है वो इंक्रीमेंट होंगी या डिक्रीमेंट होंगी, डुप्लीकेट होंगी या नहीं होंगी। तो इन तमाम चीजों को यानी आप एक फील्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब तो जब दोस्तों आपने ये सब चीजें डिफाइन कर दी हैं, आप दोबारा से उसी तरीके से इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको नाम दे देंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर टू का, क्योंकि हमने सेकंड टेबल जनरेट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक डेटाबेस में हम सेम नेम के दो टेबल जनरेट नहीं कर सकते, तो इस तरह से दोस्तों आप डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जिस तरह हम टेबल को दो व्यूज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू के अंदर भी और डेटा शीट व्यू के अंदर भी, इसी तरीके से अगर हमने कोई टेबल डेटा शीट व्यू के थ्रू क्रिएट किया है तो हम उसका डिजाइन व्यू भी देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये टेबल अभी हमने डिजाइन व्यू के अंदर क्रिएट किया है, डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट किया है। अब अगर हम इसका डेटा शीट व्यू देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक ब्लॉक नजर आ रहा है व्यूज का। आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो व्यूज नजर आ रहे हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। ये डिजाइन व्यू आपका है, अगर आप इसे डेटा शीट व्यू पर स्विच करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस स्टूडेंट अंडरस्कोर टू टेबल का जो है वो आप देख सकते हैं कि डेटा शीट व्यू क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर इस स्टूडेंट का आप डिजाइन व्यू देखना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस व्यू पर जाएंगे और डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका डिजाइन व्यू जो है वो आप व्यू कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम एमएस एक्सेस के अंदर ना सिर्फ अलग अलग व्यूज के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, साथ के साथ हम अपने एक ही टेबल को इन दोनों व्यूज के थ्रू देख भी सकते हैं, डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा एमएस एक्सेस में। अगले लेक्चर में हम फील्ड्स को डिफाइन करना, फील्ड्स की डेटा टाइप्स को डिफाइन करना और साथ के साथ एक टेबल में मौजूद फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।